स्वागत हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो आज की डेट में AK2 छात्रों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जो कि AK2 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो क्या गुड न्यूज है भाई, आपको सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ और क्या सर्कुलर आया है सारा कुछ डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 8 नवंबर 2023, आज है 9 नवंबर। कल रात को लगभग शाम के आसपास ये सर्कुलर AK2 की तरफ से जारी किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग इतने दिनों से टैबलेट 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 बोल रहे थे कि सर हमें टैबलेट कब मिलेगा कब मिलेगा AK2 वालों को। तो फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है और कल शाम को ये AK2 ने ऑफिशियली सर्कुलर जारी कर दिया और बोला कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कराए जाने के संबंध में। अब इसको ध्यान से देखना क्या लिखा गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से पढ़ना आप लोग देखो, दिनांक 20/10/2023, 20/10/2023 मतलब 20 अक्टूबर, छाया प्रति संलग्न के माध्यम से जनपद स्तर पर पायलट योजना वर्ष 2021-22 के अवशेष टैबलेट और स्मार्टफोन का शीघ्रता शीघ्र वितरण किए जाने, मतलब 2021-22 में पायलट योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा जा रहा था। तो जो अवशेष टैबलेट और स्मार्टफोन बचे हैं 2021-22 वाले, उनका जल्दी से जल्दी बांट दिया जाए उसको। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण। देखो 2021-22 में जो टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा जा रहा था उसका नाम योजना का रखा गया था पायलट योजना, और जो अभी चल रहा है टैबलेट स्मार्टफोन जो 2022-23 से लागू है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। तो अब स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2023-22-23 हेतु प्रस्तावित आपूर्ति के सापेक्ष उपकरणों के वितरण की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु शासन के शासनादेश के माध्यम से जनपद एवं संस्थान के निर्धारित किए गए दायित्वों के आधार पर आपूर्ति किए जाने वाले टैबलेट स्मार्टफोन के रख रखाव वितरण हेतु जनपद और स्थान संस्थान स्तर से नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई थी। अतः आपसे अपेक्षा है कि शासन के पत्र में उल्लेखित बिंदुवार व्यवस्था अनुसार कार्रवाई संपन्न करने का कष्ट करें। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब टैबलेट आने वाला है, टैबलेट और स्मार्टफोन। अभी आपको पता होगा पुराना जो टैबलेट बचा था अभी पिछले वाला, तो वो कई जगह कुछ कुछ कॉलेजों में बी फार्मा वालों को, बीटेक वालों को, एमबीए वालों को और कहीं कहीं पर बीए वालों को ऐसे बट रहा है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि स्मार्टफोन की, टैबलेट की नहीं स्मार्टफोन की पहली खेप आई और कई लोगों को इस समय बट भी रहा है जितने BA BSc वाले हैं। लेकिन AK2 वालों को इसलिए नहीं बट रहा क्योंकि AK2 वालों को मिलेगा टैबलेट, और टैबलेट में अभी थोड़ी देरी हो रही थी। स्मार्टफोन की पहली खेप आ चुकी है और बट भी रहा आपको पता होगा। अब स्मार्टफोन की दूसरी खेप और टैबलेट की पहली खेप नवंबर लास्ट तक आ जाएगी। उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि टैबलेट और स्मार्टफोन जो आएगा उसके रख रखाव हेतु जिले पर और कॉलेज में दो जगह टैबलेट आ सकता है। एक तो आपके ज़िले में आके रख दिया जाएगा, वहाँ से आपके कॉलेज में आएगा, तो मतलब पहले ज़िले में आएगा फिर वहाँ से एक ज़िले में जितने भी कॉलेज होंगे AK2 के अंदर वाले सभी कॉलेजों में टैबलेट जाएगा। तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि रख रखाव की प्रक्रिया आप लोग शुरू कर दीजिए कि कहाँ रखना कैसे रखना है, क्योंकि अब टैबलेट आने वाला है, ये संकेत यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद ये 8 पेज का सर्कुलर है, यहाँ पर पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला भी गया है कि इस चीज़ के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा गया है कि जो टैबलेट और स्मार्टफोन आएगा उसकी जाँच भी करनी पड़ेगी बहुत लोगों को, बहुत लोगों को मतलब जहाँ पर टैबलेट आएगा तो पोस्ट डिस्पैच इन्फेक्शन चेकलिस्ट, टैबलेट स्मार्टफोन जब जिले में आएगा तो उसका फिजिकल टेस्ट करना है कि सिम सही काम करेगी या नहीं, सिम मेमोरी उसकी स्क्रीन काम कर रही है या नहीं, बॉडी अप डिवाइस चार्जिंग पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद टर्न ऑन द डिवाइस को टर्न ऑन करके देखना है, टच एनी ऐप आइकॉन, इंसर्ट सिम कार्ड, इंसर्ट मेमोरी कार्ड, एक कॉल लग रही है या नहीं लग रही है, माइक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, रिंगटोन साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा चेकअप करना पड़ेगा। उसके बाद छात्रों को बांटा जाएगा। यहाँ पर कैमरा भी दिया गया, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा। तो मिला जुला के गुड न्यूज़ यही है कि भाई AK2 ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि तैयारी शुरू कर दो रखने की टैबलेट स्मार्टफोन, जल्द ही नवंबर लास्ट तक टैबलेट आना शुरू हो जाएगा और आपके जितने भी फाइनल ईयर वाले हो सबको टैबलेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो इसमें पास आउट होके निकले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो बाकी आगे कोई और अपडेट आती है स्पेशल कैरी ओवर को लेकर भी, मुझे पता है आप लोग बहुत चिंतित हो,
कोई भी अपडेट मुझे मिलती है मैं आपको जरूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बशर्ते आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए रहो। बहुत सारे लोग हैं, अभी 50 से 60% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू।